बंधु सूत जी कहते सन कादक ऋषियो बताते कि जब पांडव द्रौपदी से हिमालय पे गलने के लिए गए तो वो समय कौन सा था, पापों का उदय हो रहा था और पुण्यों का रवि ढलने वाला था और महाराज द्वापर का अंत समय था और कलयुग आने वाला था। ऐसे समय पे पांडव चले गए। अब जब चले गए एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पे सवार हुए, शिकार खेलने के लिए जब वन में पहुंचे, जैसी वन में पहुंचे तो इन्होंने दूर से क्या देखा, एक गाय आ रही, दुबली पतली है, बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है, बछड़ा नहीं है पास में और बड़ी धूप है। तो ध्यान रखना, परीक्षित जी ने देखा हम एक राजा हैं और मेरे होने पे हमारे ये राज्य के प्राणी इस तरीके से परेशान है तो हमारा जीना ही बेकार है। जवाब दिया, गाय माँ कहाँ जा रही हो, क्यों इतनी परेशान हो? तब तक बैल भागता हुआ आया, परीक्षित जी के चरणों पे गिर गया और कहने लगा, महाराज आप ही रक्षक, आप ही भक्षक, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। तो ध्यान रखना उसी समय मेरे श्रोता बंधु बोले, मैं आप देख रहे हो मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। और बैल कहने लगा, आप देख रहे हो मैं बैल है, मैं बैल नहीं है, मैं धर्म है। लेकिन वो गाय कह रही थी कुछ, क्या कह रही थी? Oh,
उसी समय चरणों पे गिर गई और वो बैल कहने लगा, आप देख रहे हो हम बैल हैं, हम बैल नहीं हैं, हम धर्म हैं। और याद रखना, धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। याद रखना, इस कलयुग में सत्य तो बिल्कुल रहा ही नहीं। और दिन में एक बार अगर सत्य बोल दे तो हरिश्चंद्र का बाप भी अपने को मान लेते हैं। धर्म भी नहीं है इतना, दान भी कहां लोग करते हैं, तप भी नहीं है। सब कुछ कलयुग में खत्म हो गया, याद रखना।